Narendra Modi was bowing to standing ovations at the BJP's National Council conclave. There are still some riding tides against him. RSS ideologue Govindacharya has in fact advocated that LK Advani should be the BJP's prime ministerial candidate and not Narendra Modi. He was speaking exclusively with Headlines Today's managing editor Rahul Kaval. इस वक्त बीजेपी में बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री घोषित किया जाए या फिर कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे चलकर चुनाव लड़ा जाए. आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूं देश की जैसी संवेदनशील स्थितियां हैं आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से, उसमें अनुभवी हाथ की ज्यादा आवश्यकता है. मेरा ऐसा मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ हो, वे किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के नाते से अपना हाथ अजमाएं, अनुभव से अपने को पुख्ता करें. देश के लिए वो ठीक होगा, इन लोगों के लिए क्या ठीक होता है ये हमारे लिए जनरेशन का विषय है. कई लोग ये कहेंगे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए डिमांड है, मतलब आडवाणी जी के लिए डिमांड है. सवाल डिमांड का नहीं, सवाल देश के हित का है. मुझे जो देश के हित में लग रहा है वही लग रहा है कि आडवाणी जी स्वस्थ है, आडवाणी जी अनुभवी है, सबसे सीनियर है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उन्होंने प्रमाणित की है. नरेंद्र जी को तो अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए अप्रेंटिस करना ज्यादा सबके लिए शुभ होगा. नरेंद्र जी का आलोचक मैं नहीं हूं, लेकिन उनको इतनी जल्दी खर्च नहीं कर देना चाहिए, ये मेरा सोचना. नहीं, क्योंकि जब तक 2014 के चुनाव होंगे तब तक आडवाणी जी की उम्र हो जाएगी करीब 87 साल. हाँ. आपको लगता है कि जब बाकी देश में एवरेज एज 25 साल की है तब 87 साल का पीएम होना चाहिए? आप दूसरा देखिए, उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य का क्या हाल है. बाकी कम उम्र वाले कहां कहां गाड़ियों में बैठ गए थे, दिन भर का धरना तक नहीं दे पाए थे वे. और आडवाणी जी अभी भी स्वस्थ हैं, इसलिए अभी भी उनका काम हो सकता है. इसलिए 87 साल हुए या नहीं प्रश्न ये नहीं है, स्वस्थ है या नहीं ये प्रश्न है. आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, 3 टर्म से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने काम किया है, लोगों ने चर्चा की है उनके काम की. आपको नहीं लगता कि अप्रेंटिसशिप काफी है? मुझे लगता है गुजरात पूरा देश नहीं है, पूरे देश में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत सी जटिलताएं हैं और बहुत से अंतर विरोध भी हैं. उन सबका सामना करना, टैकल करना, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अपने एटीट्यूड में. उसके लिए काफी कुछ स्किल्स की जरूरत है जो अभी तो वांटिंग अभी तो उन्होंने प्रमाणित नहीं किया है. नहीं, पर आप मानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है? आप मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिद की, संजय जोशी को जबरदस्ती करके नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटवाया, बीजेपी से छुड़वाया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अड़ियल है? एक बात पे अड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी को उन्हीं की बात माननी होगी और ऐसे में बड़ा खतरा है आगे चल के. इस पर मैं कुछ कहूं इससे ज्यादा तो आप नहीं अभी कह रहे. आप बताइए, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने स्वाभाविक कह दिया आपने. नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने कुछ नहीं. मैं ये मानता ही हूं कि बहुत ज्यादा लचीलेपन की आवश्यकता है. अपनी पार्टी के अंदर ही अगर ऐसी जिद करेंगे तो अन्य दलों के साथ तो चलना और कठिन हो जाएगा. इन्हीं सब बातों के लिए मेरा कहना है कि और परिपक्व होने की जरूरत है. पॉलिटिक्स की हैंडलिंग में स्किल के साथ पेशेंस की जरूरत पड़ती है. मुझे लगता है कि एक इंपेशेंस का माहौल बन रहा है जो न नरेंद्र के लिए अच्छा है न देश की दृष्टि.